करते हैं कुछ डिफरेंट फील्ड के फादर्स के बारे में, ठीक है, कुछ डिफरेंट फील्ड के फादर्स के बारे में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को एक जन्मदाता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किसी किसी एग्जाम में तो दो तीन जन्मदाताओं के बारे में पूछ ही लेता है कि भैया मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता कौन है। तो हम एक एक करके ऑलमोस्ट से यहाँ पे 50 जन्मदाता हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये 50 लोग आपके 2 से 4 मार्क्स दिलवाने के लिए काफ़ी है, ये 50 लोग ही। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्क्स कहाँ से आएंगे, किस एग्जाम में आएंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना है कि इम्पोर्टेंस है इनका। अब इनका इम्पोर्टेंस एग्जाम में भी है, हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द लिस्ट ऑफ फादर्स इन डिफरेंट फील्ड जीके। ठीक है, जीके से हम डील करेंगे इनको। तो बिना देरी के हम शुरू तो कर रहे हैं, बट दोस्तों एक इस वीडियो को आप एक बार नहीं, एक बार से तो होगा नहीं, कम से कम 50 जन्मदाताओं के बारे में जानना है तो कम से कम 2-3 बार तो जरूर, या फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से, या फिर यूट्यूब में ही इसको डाउनलोड करके आप इसको देखिए। पहला है द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है, गैलीलियो को। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को। ठीक है, किसको कहा जाता है? गैलीलियो। किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। अब यहाँ पे है द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी नॉर्मन बोरलॉग भी देता है, लेकिन अगर इसने ये मेंशन किया है कि नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग, तो ये आपका आंसर होगा नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, अगला है द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो फिलिप्स, एंटोनियो फिलिप्स वैन, ठीक है, एंटोनियो फिलिप्स वैन ने किया था। वैन को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बोलो, पूछ रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको निकोलस कोपरनिकस को। किसको कहा जाता है? निकोलस कोपरनिकस को। ठीक है, इनका एंटोनियो फिलिप्स वैन लियो, इनका नाम था एंटोनियो फिलिप्स वैन लियो वैन होक, HOEK। ठीक है, LEELOU। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख ही देता हूँ, याद आ गया तो लिख देता हूँ। उनका नाम था एंटोनियो फिलिप्स वैन लियो वैन हुक, ये इनका पूरा नाम था। अब है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहा जाता है एर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन याद है ना, उसके बाद है द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, एक को फिजिक्स है, ये न्यूक्लियर साइंस याद है, मैडम क्यूरी, ठीक है, रेडियम का आविष्कार, ठीक है, सॉरी वो नहीं, उनका दूसरा में आएगा, ये है आपके मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी एंड इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। ठीक है, उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस
जॉर्ज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जॉर्ज बुल एंड एलन टर्निंग, ठीक है, एलन टर्निंग। आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि ठीक रहे, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग में साथ साथ कोई मिस्टेक हो जाए आप लोगों से। तो फादर ऑफ बायोलॉजी नेक्स्ट है, फादर ऑफ बायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ठीक है, अरिस्टोटले को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटले। अब बोल रहा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया में किसे कहा जाता है, एम एस, ठीक है, स्वामी नाथन को, एम एस स्वामी नाथन को। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। और फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, देखिए फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल ये कौन है, बटलर वॉल्टर, ठीक है, च्यूनेकैम, वॉल्टर च्यूनेकैम को, ठीक है। फादर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, किसको बोला जाता है, चार्ल्स, चार्ल्स डार्विन, मिस्टेक नहीं होना। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे डी, पियरे डी पियरे डी कोबर्टिन, ठीक है। फादर ऑफ नंबर्स, ठीक है, फादर ऑफ नंबर्स किसे बोला जाता है, पाइथागोरस को, किसे बोला जाता है, नंबर्स किसे बोला जाता है, पाइथागोरस, याद होगा मैथमेटिक्स में पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस, याद नहीं है ऐसे, पाइथागोरस। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनके नाम में ही, इनके जेनेटिक्स में ही इनका नाम है, इनका नाम है जर्जर जर्गोर मेंडोल, ठीक है, जर्जर मेंडोल। अब आता है फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट ये बोला जाता है विंट क्राफ्ट को, विंट कर्फ को, ठीक है, क्राफ्ट नहीं कर्फ। फादर ऑफ बोटनी, तो फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है थियो थियो पेट्रस को, थोड़ा इनका नाम भी अजीब है, उच्चारण भी अजीब ही हो रहा है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये आपके फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फेराडे, याद आ रहा ना, फेराडे लॉ थंब रूल, माइकल फेराडे, फेराडे, ठीक है, फेराडे नहीं, फेराडे ए वाई, फेराडे। फादर ऑफ टेलीविजन, ठीक है, फिलिपो फादर ऑफ टेलीविजन,
फ्रांस ओर्थ, ठीक है, फिलो फ्रांस ओर्थ। अब फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कौन है, ऑटो हन। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा, डिमिट्री, ठीक है, ये कौन है, डिमिट्री, इनको मेंडलीव भी बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव। उसके बाद है फादर ऑफ हुमेनिंग, फादर ऑफ हुमेनिंग को कौन सा है, फ्रेंको फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को फादर ऑफ मोबाइल फोन, फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को बोला जाता है, मार्टिन कूपर को बोला जाता है फादर ऑफ मोबाइल फोन। फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोला जाता है, यूक्लिड को, यूक्लिड को, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ये किसको बोला जाता है, एंटोनियो फिलिप्स, ठीक है, एंटोनियो फिलिप्स वैन, मैंने आपको एक और इनका नाम बताया था ना, वही लियो होक, ठीक है। इन्होंने और किसका दिया था, लियो होक जो थे माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का अगर कुछ माइक्रो कंपोनेंट देखना था तो उसके लिए किसकी जरूरत थी, माइक्रोस्कोपी को, तो वो किसके साथ मिलकर इन्होंने बनाया, वो बनाया था एंटोनियो फिलिप्स एंड वॉन वैन लियोक। फादर ऑफ लैपटॉप किसे, फादर ऑफ लैपटॉप ये आपके बिल मॉग रिज, ठीक है, बिल मॉग रिज को बोला जाता है। और फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी ये बोला जाता है सिगमुंड फ्रेड को, किसको बोला जाता है, सिगमुंड फ्रेड को। फादर ऑफ सर्जरी ये बोला जाता है सुश्रुत को, ये इंडियन चिकित्सक में है इनका नाम, सुश्रुत को, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत को बोला जाता है। फादर ऑफ न्यू फ्रांस, फादर ऑफ न्यू फ्रांस सैमुअल डे कैंपलेन, ठीक है, डे कैंपलेन। अब है फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुलाता है जेम्स मेडिसन को, जेम्स मेडिसन को बोला जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है सर होराल्ड गिल्विस, ठीक है। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है धनवंतरी को, धनवंतरी को, ठीक है, धनवंतरी को। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, ठीक है, ये है आपके हिप्पोक्रेट, ये एक और चीज के फादर हैं, ये फादर भी हैं मॉडर्न मेडिसिन के भी, मॉडर्न मेडिसिन के फादर कौन है, हिप्पोक्रेट, यहाँ पे है ये, ठीक है। फादर ऑफ क्लोनिंग, ये कौन से हैं आपके, सिगमुंड फ्रेड, सिगमुंड फ्रेड। ये और थे आपके साइकोलॉजी के भी फादर हैं, ये साइकोलॉजी के भी फादर हैं। फादर ऑफ प्रिंटिंग, फादर ऑफ प्रिंटिंग किसे बोला जाता है, गुटेनबर्ग को। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोट, हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये बोला जाता है एडम स्मिथ को,
इकोनॉमिक्स किसे बोला है, फादर ऑफ एडम स्मिथ, फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ फिलोसफी ये बोला जाता है आपको। ये बोला जाता है स्कोरेट को, CSORATES, स्कोरेट को, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ये है आपके एगुस्टेट कोंटे। इंग्लिश पोएट्री के फादर किसे बोला जाता है, इंग्लिश पोएट्री के ये आपके जॉफ्री, जॉफ्री चौसर, ठीक है। फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे बोला जाता है मॉन्टेगो, मॉन्ट नहीं, फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनिमन, ठीक है, सैमुअल हैनिमन। फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, रॉबर्ट, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म कौन से हैं, ये कार्ल मार्क्स, ये आर है कार्ल मार्क्स, ठीक है। फादर ऑफ कोऑपरेशन रॉबर्ट ओबीएस, उसके बाद ये मैं भूल गया हूँ उसका नाम, ये फादर ऑफ एटम बम, फादर ऑफ एटम बम बोला जाता है ऑटो वान को। ऑटो वान का एक जगह और नाम आता है, ये किस में आता है आपका, ऑटो वन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री याद है ना आप लोगों को, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही ऑटो वन का नाम आता है, ठीक है, एटम बम बनाने के लिए ऑटो वन। यहाँ पे आप उसका नाम ले लीजिए, क्या क्या था उसका, फादर ऑफ मोटर कार ये हैरी फोर्ड, फोर्ड की कारें अभी भी आती है। उसके बाद फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। और फादर ऑफ ग्रीक, सॉरी ग्रीक डेमोक्रेसी, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीक डेमोक्रेसी ये है आपके सेलेथिन्स, सेलेस्टिन। फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, शेख शेख मजीबुर रहमान, ठीक है, फादर ऑफ बांग्लादेश। फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। और फादर ऑफ मॉडर्न कार्टून, फादर ऑफ मॉडर्न कार्टून विलियम ओग्रा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, ठीक है, हेनरिक, हेनरिक जे इब्सन। और फादर ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, ठीक है, ये है आपके थॉमस कुक। और फादर ऑफ पेंटिंग, ठीक है, फादर ऑफ पेंटिंग लियोनार्डो, ये एक और भी क्वेश्चन आया था, लियोनार्डो डे विंकी। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मन
वॉरलॉग और फादर ऑफ रिनेसेंस, ये है पैट्रियट। तो ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंस फादर्स। अब इम्पोर्टेंस इसलिए है कि 2 से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप इसके पीडीएफ के लिए ना लिंक में एक कमेंट में एक लिंक मिलेगा आपको, वहां से जाके आप वेब की पोर्टल है, ठीक है, वेब पोर्टल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेब पोर्टल। या फिर आप ऐसा कीजिए, मेरे ब्लॉग पे भी आप जा सकते हैं, या मंजीत गुप्ता, ठीक है, इस ब्लॉग पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं वहां पे इसको दे दूँगा।